तो मैं हिंदी में अपनी बात रखने की इजाजत चाहता हूँ। इजाजत है? बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। जाकलिया के तमाम नागरिकों को, इस मैदान में उपस्थित आदरणीय बुजुर्गों को, माताओं बहनों को, किसान मजदूर भाइयों को, मेहनत मजदूरी करने वाले, दुकानदारी करके छोटे छोटे उद्योग धंधे चलाकर सरकारी गैर सरकारी नौकरियों में काम करते हुए अपने परिवार का भरण पोषण करने वाले आप तमाम मेहनत का सावाम को, साथी नौजवान को और प्यारे बच्चों को, और मेरी आवाज जिन तक पहुंच रही है, आप तमाम नागरिकों को मैं क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूं। आपको जय भीम और लाल सलाम पेश करता हूं। दोस्तों, इम्तियाज भाई ने डिटेल में आप लोगों को बताया कि एनआरसी का मामला क्या है। कभी कभी तो मैं खुद ही कंफ्यूज हो जाता हूं। एनआरसी, एनपीआर, एनआरआईसी, सीएबी, सीबीआई, ईडी, बीजेपी, कांग्रेस, पता ही नहीं चलता है कि हो क्या रहा है देश में। मेरा एक बहुत ही मामूली सा सवाल है, मैं ज्यादा गोल को नहीं बात करूंगा। आप में से यहां जितने लोग बैठे हुए हैं, मैं मीडिया बंधुओं से भी पूछना चाहता हूं, क्या आपको आपके दादाजी का नाम याद है? बता किसको याद है, हाथ उठाना किसको याद है दादाजी का नाम। तो अगर हमको मेरे दादाजी का नाम याद नहीं है, इसका यह मतलब मेरे दादाजी के पिताजी हुए, फिर मेरे पिताजी हुए, तब हम हुए। डॉक्यूमेंट नहीं होना, अपने दादाजी का नाम पता नहीं होना, इसका यह मतलब नहीं है कि आप भारत के नागरिक नहीं हैं। बिल्कुल सीधी सी बात है। सवाल यह है कि ये सरकार जिलेबी की तरह गोल गोल हमको घुमा क्यों रही है? ये सरकार जिलेबी की तरह हमको गोल गोल इसलिए घुमा रही है कि आप ये सोचते रहे कि अरे बाप रे, एनआरसी हो जाएगा। अब एनआरसी हो जाएगा तो औरतें अपने मायके फोन कर रही है, माँ ठीक है, अम्मी जी ठीक है, अरे कोई मेरा स्कूल से जाकर के सर्टिफिकेट ला दो ना, पूछ रहे थे वो जमा करना है, हादसा नहीं पूछ रहे हैं। गैया कैसी है, मैया कैसी है, खेत कैसा है, दुकान कैसा है, बाजार कैसा है, हाट कैसा है, जिंदगी कैसे चल रही है, चिंता सता रही है। चिंता किस बात की है कि अच्छा दादा ये बताइए कि आपके दादा कहाँ पैदा हुए थे? पेशावर में पैदा हुए थे कि कराची में, कि दिल्ली में, कि अमृतसर में, कि पटना में, कि कलकत्ता में? ये एक डर पूरे के पूरे देश में फैला दिया गया। अब मामला सिर्फ आसाम का नहीं है, मामला सिर्फ बंगाल का नहीं है, ये डर दिल्ली में भी है, ये डर बेंगलोर में भी है, ये डर हैदराबाद में भी है, पूरे के पूरे देश में एक डर का वातावरण खड़ा कर दिया है। क्या बोल करके? सरकार के मौजूदा गृह मंत्री मोटा भाई अमित शाह का पेट देख करके हम उनको मोटा नहीं बोल रहे, मैं किसी के मोटा होने का मजाक नहीं उड़ा रहा हूं, गुजराती में बड़ा भाई को मोटा भाई बोल रहा हूं। तो मोटा भाई ने कहा है कि पूरे देश में एनआरसी लागू करेंगे। सुनो, 15 लाख कभी तक खाते में पहुंचाए नहीं, 2 करोड़ नौकरी दिए नहीं, सड़क तो तुमसे बन नहीं रही है, एनआरसी का लिस्ट बनाओगे? तुम कुछ नहीं बनाओगे, तुम सिर्फ और सिर्फ लोगों को बेवकूफ बना सकते हो और तुम कुछ नहीं बना सकते हो। यह बात इतना मुश्किल इसलिए है, और इस बात का जो टेक्निकल मामला है वो मैं आपको बताना चाहता हूं कि कहां से इसकी शुरुआत हुई है और दरअसल सरकार की मंशा क्या है। कहते हैं ना
कि नेता लोग बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और। पूछिए कैसे कैसे। तो आज तक आप अपने दादाजी से भी पूछ लीजिएगा और आप भी सोचिएगा, इस मैदान में जितना भाषण हुआ होगा, चाहे जिस पार्टी का भाषण हुआ होगा, नेता जवान हो या बूढ़ा हो, सब गरीबी हटाने का बात किया होगा। गरीबी हटी, आज से हमारा विकास किया जा रहा है, विकास हो ही नहीं पा रहे हैं। आज से लोग महंगाई कम करने का प्रयास कर रहे हैं, महंगाई कम ही नहीं हो रही है। तो नेता लोग बोलेगा कुछ और करेगा कुछ और, भाषण देगा लोगों की गरीबी हटाने का और अपना गरीबी हटा लेगा आने वाली 3 पीढ़ी का। तो कहते हैं ना कि नेता के बात का और घोड़े का लाख का कोई भरोसा नहीं। तो असल बात यह है कि वो कहते हैं कि वो घुसपैठियों की पहचान करना चाहते हैं, मुंह से बोलते हैं, जैसे मुंह से राम जी का नाम लेते हैं, मुख में राम और बगल में नाचू राम। सामने से आपको वो गांधी जी पे माला चढ़ाते हुए दिखेंगे और मन ही मन चाहते हैं कि गोडसे को इस देश का राष्ट्रपिता बना दिया जाए। ये हकीकत है। वो कहते तो हैं कि बाहर से जो लोग आए हैं गैर कानूनी तरीके से, उन घुसपैठियों की पहचान करके उनको हम इस देश से बाहर करना चाहते हैं। अब कोई भी जो इस देश का नागरिक है उसको यह बात पसंद आएगी। अगर कोई हमको कहे कि हमारे मोहल्ले के बगल में जो मोहल्ला है वहां रहने वाले सारे लोगों को बंगाल की खाड़ी में फेंक देंगे और ये सारा मकान तुमको दे देंगे, तो हम ताली पीटने लगेंगे कि नहीं पीटने लगेंगे? पीटने लगेंगे। लेकिन फिर वही बात हमको याद करना चाहिए कि क्या नेता के बात पे और घोड़े की लात पे भरोसा किया जा सकता है। इस तरह से लोगों को बरगलाया जा रहा है, लोगों को समझाया जा रहा है, ये कहा जा रहा है कि आपको परेशान होने का जरूरत नहीं है, हम घुसपैठियों की पहचान करेंगे। अब सवाल है कि कौन है घुसपैठिया, किसको आप घुसपैठिया मानते हैं? तो उसके लिए आधार तय किया गया है। दो आधार हैं। एक, अगर आप 1947 में हिंदुस्तान आए हैं तो उसका एक डॉक्यूमेंट दीजिए, तब आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। दूसरा, अगर आप 1971 में हिंदुस्तान आए हैं तो उसका आप डॉक्यूमेंट दीजिएगा, तो आप भारत के नागरिक कहे जाएंगे। सवाल यह है कि क्यों 47, 37 क्यों नहीं, 48 क्यों नहीं, 50 क्यों नहीं, क्यों 47? 47 में देश आजाद हुआ था, इसके साथ और भी कुछ हुआ था ना? क्या हुआ था? देश का दो टुकड़ा हुआ था। टुकड़ा क्यों हुआ था? हिंदू और मुसलमान की राजनीति के चलते इस देश का टुकड़ा हुआ था। और वो जो नफरत है, वो जो डर है, वो जो घाव है, उसको कुरेदने का प्रयास किया जा रहा है। अंग्रेज अपना काम करके चले गए, हिंदुस्तान पे 200 साल तक राज किया, और जब हिंदुस्तान के लोग इकट्ठा होकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने लगे तो उनको लगा कि जाते जाते इस देश को बांट करके जाना है, और हिंदू मुसलमान की राजनीति करने वाली उस वक्त के जो राजनीतिक दल थे उनके सहयोग से भारत का बंटवारा कर दिया गया। अब एक बात आप सोच करके बताइए, 47 में जब बंटवारा हुआ तो भारत के उस हिस्से से जिसको आज पाकिस्तान कहते हैं उससे कौन लोग ज्यादा आए थे? ज्यादा मुसलमान आए थे कि गैर मुसलमान आए? सोच करके बताइए, अपने दिमाग में सोच लीजिए, हमको मत बताइए, खुद विचार कर लीजिए। अगर आप विचार कर लीजिएगा तो आप अपने आप समझ जाइएगा कि आसाम में जो एनआरसी की लिस्ट आई उसमें ज्यादा गैर मुसलमानों का नाम क्यों आया? क्योंकि जब बंटवारा हुआ था तो गैर मुस्लिम इस तरफ आए थे और मुस्लिम उस तरफ गए थे। फिर दूसरा बंटवारा कब हुआ?
पाकिस्तान, जिसको पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, जो आज बांग्लादेश है, लेकिन उसका बंटवारा हिंदू और मुसलमान के नाम पे नहीं हुआ था। इस बात को आप जरा गौर से सोचिएगा, वो बंटवारा धर्म के आधार पर नहीं हुआ था, वो बंटवारा भाषा के आधार पर हुआ था। हमारा बंगला